कीजिए। फिर मुझे उस हिसाब से बताइए क्या हुआ। हाँ हाँ शीतल से मैं बात कर लूंगी। हाँ ओके, अभी मैं जरा पिक्चर्स ढूंढ लूँ, फिर आई विल गिव यू कॉल। ऑल राइट, ओके, सी यू देन, बाय। हाय, तुम राजेश, तुम नहीं सुधरोगे। मैंने कितनी बार बोला ना इस तरह मत डराया करो मुझे। अरे यार नाराज क्यों हो रही हो? देखो भावना, मेरा भी तुमसे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। हाँ मेरा भी तुमसे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। तुम ठहरे हिंदी लिटरेचर में डॉक्टरेट, झगड़ा शुरू होगा तो तुम्हारे भाषण शुरू हो जाएंगे। भावना मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि आज रोशनी की शादी में जाना है, याद है ना? ओह गॉड, रोशनी की शादी आज है? जी हाँ राजेश, एक काम करो, रोशनी की शादी में तुम चले जाओ, मेरा एक फोटो सेशन है, वो आज मैं निपटा दूंगी ना। देखो देखो भावना, अगर इसी तरह सारे दोस्तों की शादी में जाना टालती रही ना, तो याद रखना तुम्हारी शादी में कोई नहीं आएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, लेकिन उसके लिए भी एक लड़की की जरूरत पड़ती है। कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन एक ना एक दिन मिल जरूर जाएगा। और वैसे भी राजेश, क्या तुम इस चीज में विश्वास रखते हो कि सारे रिश्ते ऊपर से तय होकर आते हैं? मुझे यकीन है कि मेरे लिए भी कोई ना कोई राजकुमार जरूर बना है, और वो भी मेरी तरह मेरा इंतजार कर रहा है, और वक्त आने पर जरूर मिलेगा मुझसे। वाह भावना वाह, मुझे ताना मारती रहती हो कि मैं हिंदी लिटरेचर का डॉक्टरेट हूँ, हर भाषण देता रहता हूँ, और अब तुम लेक्चर दे रही हो उसका क्या? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ इडियट, मैं सिर्फ हकीकत बयान करने की कोशिश कर रही हूँ। दुनिया में चाहे कोई किसी चीज पे विश्वास करे या ना करे, लेकिन कुदरत पे तो सभी करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। अब एक काम करो, रोशनी की शादी तुम अटेंड कर लो, मैं फोटो सेशन कर लूंगी, वो बहुत जरूरी है। प्लीज 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 प्लीज, ओके थैंक यू, फोन पे। ओके हेलो, या हाँ आज फोटो सेशन कंफर्म्ड है, ओके वेलकम बाय। वाह अम्मा, तुम्हारी कहानी सुन के तो मजा आ गया। लेकिन अम्मा, तुम्हारी हर कहानी में राजकुमारी को उसकी तकदीर के मुताबिक एक राजकुमार मिल ही जाता है। अरे बिटिया, ये सिर्फ कहानियों में ही नहीं, हकीकत में भी होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उसे पहले से ही जुड़े होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम उसे ढूंढते रहते हैं और वो एक दिन अचानक हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन अम्मा, अगर मेरी तकदीर में भी किसी के साथ जुमला लिखा है, कोई राजकुमार मेरे लिए भी बना है, तो मैं बस एक बार उसकी झलक जरूर देखना चाहूंगी। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, बस एक बार देखना चाहूंगी। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तू वहां गई तो? ऐसी कौन सी जगह अम्मा? तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। किस जगह की बात कर रही हो तुम? कहाँ नहीं जाना चाहिए मुझे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे आखिर बताओ ना, अभी तो तुमने कुछ कहा ना। कुछ नहीं। बताओ ना अम्मा। ठीक है, तू बहुत जिद करती है तो सुन, यहां से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है सज्जनगढ़। कभी वहां ठाकुरों का राज था, लेकिन वो ठाकुर बड़े ही जालिम थे। वो हवेली आज भी वहां है। लोगों का कहना है कि वो हवेली श्रापित और बड़ी मनहूस है। वो श्रापित हवेली में एक शिवभक्त ठाकुराइन भी रहती थी। उस मनहूस हवेली में आज भी वो पवित्र कमरा है जहां ठाकुराइन पूजा करती थी। कहा जाता है कि चंद्र अपनी उच्च राशि वृषभ में हो, रोहिणी नक्षत्र में हो, पूर्णिमा की रात सोमवार का दिन, और पूर्णिमा की रात अगर कोई लड़की सुबह के 2 से लेकर 4 के बीच एक निश्चित मंत्र पढ़े तो उसे अपने होने वाले पति की झलक दिखाई देती है, और इसी सोमवार को पूर्णिमा है। अम्मा मैं उस हवेली में जरूर जाऊंगी। नहीं तुम नहीं जाओगी। अम्मा मैं उस हवेली में जरूर जाऊंगी, मुझे वो मंत्र दीजिए।
लीजिए मैडम, आ गई आपकी हवेली। सोमवार है, पूर्णिमा है, हवेली है, जाइए और देख कर आइए अपने होने वाले पति की छवि। मजाक मत करो राजेश, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। हो ना, 3 बज रहे, जाओ जाओ, देर हो जाएगी। 3 बजे? हाँ जाओ। तुम चलोगे साथ में? जी नहीं शुक्रिया, आप अपनी इज्जत पूरी कराइए, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, मैं आती हूँ। हाँ वेट फॉर मी। या लगता है ये हवेली बरसों से बंद है। अम्मा ठीक ही कह रही थी, हवेली कितनी भयानक है। ओह गॉड, लेकिन अम्मा ने ये नहीं बताया कि यहाँ पर इतनी सारी एंटीक्स हैं। राजेश को आना चाहिए था, देखता तो खुश हो जाता। कुछ पिक्चर्स ले लेती हूँ। राजेश ये पिक्चर्स देखेगा तो खुश हो जाएगा। ओके। अरे मैं तो भूल ही गई, अम्मा ने जो कमरा बताया वो कहाँ होगा? यहाँ तो नहीं। ये तो नहीं है कमरा। ओह गॉड, लगता है बरसों से ये कमरा भी नहीं खुला। ये ठाकुराइन का रूम तो नहीं लगता। बंदूक भी है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बरसों पुराना था। कहीं ठकुराइन का कमरा यही तो नहीं। यही है वो पवित्र कमरा जिसके बारे में अम्मा ने बताया था। भावना ने भी किस मुसीबत में फंसा दिया। अम्मा ने कहा था यहीं यहीं बैठ के पूजा करना। कौन कौन है? कहाँ फंसा दिया भावना ने? 4:05 चलता है, मत पढ़ती हूँ। तदीशं तुषाराभम शिरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोम शंभो निकुट भूषणम रोहिणीशः सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुधाशनः विषम स्थान संभूताम पीड़ा कर्तु मे विधु। सना
मुझे देखे बिना ही चली जाओगी? मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढने आई थी, तुम्हारे सपनों का राजकुमार। 13 जून को 11:30 बजे जहां तुम रहोगी वहां आके मिलूंगा। मेरा इंतजार करना। राजेश, राजेश, मैंने तुमसे कहा था ना, कि अम्मा सच बोल रही हैं, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे जरूर दिखेगा। अभी मुझे दिखा, और जानते हो मुझसे क्या कहा? मुझसे कहा कि मैं 13 तारीख को तुमसे 11:30 बजे मिलने आऊंगा। तुम जानते हो उसने मुझे और क्या कहा? बोला मुझसे बिना मिले कहाँ जा रही हो? अच्छा। मुझसे वादा किया कि मैं 13 तारीख को जरूर तुमसे 11:30 बजे मिलने आऊंगा। और तो सुनो है, उसके बाद ना मेरे को इतना डर लगा, वहाँ पे लाइट भी नहीं थी और एकदम से तूफान भी बंद हो गया। भावना अब चलते हैं, देखो 12:30 बज चुके हैं, आना होता कब का आ चुका होता। राजेश बस थोड़ी सी देर और वेट करते हैं। तुमने मुझसे वादा किया कि 13 जून को तुम कहीं पर भी रहोगी मैं तुमसे मिलने आऊंगी 11:30 बजे। मेरा वहम होगा, देखो ये वादे ये चमत्कार कभी खंडरों में नहीं होते। तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, मजाक किया था? राजेश मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं, वो हवेली पिछले 40 सालों से खंडर पड़ी हुई, वो वाकई में चमत्कार था। वहां पर और कोई नहीं था, फिर अचानक उसकी आवाज आना, उसका मुझसे मिलना, मुझसे वादा करना। तुम समझते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इसीलिए आज तुमको यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि तुम उसको अपनी आंखों से देख लो और मुझ पर विश्वास करो। ना ये तुम्हें क्या हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन आप तो 11:30 बजे आने वाले हैं। मैंने कहा था 11:30, पर सुबह के 11:30 ये नहीं कहा था। इस वक्त रात के ठीक 11:30 बज चुके। I'm so sorry, मुझसे गलती हुई। ऐसी गलतियां कभी कभी एक नया पहलू सामने लाती। देखो बेटी मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, शिवरात्रि तक तुम्हारी शादी का योग नहीं है। लेकिन पंडित जी अगर मैं शिवरात्रि तक रुकी तो फिर जिंदगी भर मेरी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके जैसा पति मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैंने सोचा था। अगर ऐसा है तो उससे कहो कि शिवरात्रि तक प्रतीक्षा करे। यही तो प्रॉब्लम है पंडित जी, उसको जल्दी से जल्दी शादी करनी है और मुझे भी। देखो बेटी ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी कुंडली कह रही है कि किसी भी हालत में तुम्हें शिवरात्रि से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। पंडित जी प्लीज आप ये अभी की कुंडली देख लीजिए, इसे देखकर कोई भी शादी का योग बना लीजिए ताकि हमारी जल्दी से शादी हो जाए। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है फिर देखते हैं। अरे भावना आज के लिए तो फोटो सेशन बंद कर दो, आज ही तो हमारी शादी हुई है। अभी तुम्हारी एक फोटो खींचो प्लीज, एक फोटो लूंगी बस एक फोटो, प्रॉमिस। हाँ थोड़ा कुर्ता तो ठीक करो, थोड़ा स्माइल तो करो बाबा, स्माइल। हाँ
आई एम रेडी। क्लिक करो। हाँ एक सेकेंड। हाँ ओके। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं अभी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। अभी तुम जिस कहाँ चला गया? कमरे में कोई नहीं और लैंप ऑन करके रखा हुआ। बिजली के खर्चे के बाद अभी भावना कहाँ? टेबल लैंप यहां क्यों पड़ा है? अभी उसे बचो, उसमें करंट है। कहां है करंट? था, मुझे लगा इतनी जोर से। चुप। नहीं ठीक तो है। आओ खाने के लिए चले। इतनी जोर से